मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसजीओआई। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। टुडे वी विल बी डूइंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 द क्वेश्चन सेज दैट इन अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड देयर इज अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, जहां पे सेकंड रैंक में एक पार्टिसिपेंट को खड़ा किया गया है, जिसे सेकंड लेन, और एक पार्टिसिपेंट खड़ा किया गया है एट्थ लेन में। इन दिस डायरेक्शन देयर आर टोटल 100 मीटर्स की डिस्टेंस है और हर 100 आपके पास फ्लावर पार्ट्स रखे हुए हैं, दैट इज 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर और ये सेकंड लेन पर है और ये एट्थ लेन पर है। दिस इज सेकंड लेन एंड दिस इज एट्थ लेन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ गर्ल जो कि सेकंड लेन में चल के पूरे डिस्टेंस की 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे एक फ्लैग गाड़ती है, और जो लड़की एट्थ लेन में है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे एक फ्लैग गाड़ती है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो दिस इज सेइंग दैट पूरी डिस्टेंस आपकी एडी है, इसने कवर की डिस्टेंस कितनी, 1/4 of AD, that is 1/4 multiplied by 100, this will give you 25, that means इसका जो y coordinate होगा that will be 25 और x coordinate क्या होगा 2, because उसने कितनी distance cover करी है, 1/4 of AD, that is 25 meters। similarly यहाँ पे इसका x coordinate तो fix ही है 8, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसने बोला 1/5 ऑफ AD डिस्टेंस कवर की है, दिस विल बी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव अस 20। इसे कोऑर्डिनेट से जाएंगे आपके पास 8, 20। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज AB। तो हम लिखेंगे AB डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो हियर वी कैन सी x2 कितना आपके पास 8 और x1 है 2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 20 माइनस y1 कितना आपके पास 25 होल स्क्वायर। दिस विल गिव अस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 25 व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 61। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स इज रूट 61 मीटर्स। दोनों फ्लैग्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 61 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि एग्जैक्टली इन दोनों फ्लैग्स के बीच में एक और फ्लैग लगाया गया, तो आपको बताना है कि वो फ्लैग कितने डिस्टेंस पर लगाया गया है। तो फॉर दैट हम बोल रहे हैं इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो आपके पास पॉइंट सपोज पी है और कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो हम निकालेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और पी क्या है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और ये क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज x1 इज इक्वल टू आपके पास 2 एंड x2 इज इक्वल टू 8/2, दैट विल गिव अस 5। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 इज 25 and y2 is 20/2, solve करेंगे we will get 22.5। so from here we can say that कि p के जो coordinates आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 5, 22.5। this tells us that कि जो x coordinate है that is 5 और जो आपका y coordinate है that is 22.5। so from here we can say that कि ये जो flag बीच में लगाया गया exactly वो फिफ्थ लेन पर है, इट इज ऑन द फिफ्थ लेन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर्स। ठीक है, तो आंसर वुड बी इन द फिफ्थ लेन
at 22.5 meters of the distance. Now moving to question number 4. In question number 4, it is saying that एक line segment है, suppose AB, ठीक है, suppose AB is a line segment, इसके coordinates given है, they are -3, 10 and 6, -8 और इसको एक point जो है वो divide कर रहा है, किसी भी ratio में वो हमें नहीं पता, ratio find करना है. उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -1, 6, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट पी आर -1, 6. आपको फाइंड करना है कि ये यहां का और यहां का रेशियो क्या होगा. तो ऐसे केसेस में हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो इज के रेशियो 1, ठीक है, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1. इसमें फायदा क्या होता है, सिर्फ आप x वाला कोऑर्डिनेट सॉल्व करके ही रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम जानते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट कि x किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू x2 m प्लस x1 m अपॉन m प्लस n, ठीक है. यहाँ पे अगर m और n की बात करें तो हमें रेशियो मान लिया है कि ये रेशियो 1, देयरफॉर जो m होगा वो k के इक्वल होगा एंड जो n होगा वो 1 के इक्वल, ठीक है. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, x की वैल्यू कितनी की है, -1 इज इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय m कितना है k प्लस x1 का वैल्यू कितना है आपके पास -3 वैल्यू ऑफ x1 is -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग विद n जो कि 1 के बराबर अपॉन m प्लस n मतलब कि k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6k -3. This will give us 6k-3. So this will become -k -1 is equal to 6k-3. इस k को इधर ले जाते हैं और -3 को इधर लाते हैं. So this will be -1 + 3 is equal to 6k + k. So this will become 2 and this is 7k. That is 7k की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो k की वैल्यू will be equal to 7 upon, sorry, will be equal to 2 upon 7, ठीक है. तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, hence ratio is equal to 2:7, इसलिए आपका जो रेशियो है that is 2:7. जब भी ये रेशियो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि जो सेक्शन हुआ है वो इंटरनली हुआ है, अगर यहाँ पे रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम बोलते हैं कि जो सेक्शन हुआ है वो एक्सटर्नली हुआ है, ठीक है. रेशियो को फाइंड करना था तो रेशियो इज 2:7 एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास. स्टूडेंट्स विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास.